असलम गाइस गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये फोटो, कुछ इस तरह का फोटो हमारे पास। दोस्तों दोस्तों ये फोटो आपकी इसकी स्किन चेक कर सकते हैं कैसी है। तो मैं कुछ इस तरह का आपको फोटो प्रोफेशनल तरीके से एडिट करके दिखाऊंगा जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ बशीर, आप देख रहे हैं मिस्टर बशीर टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स कर लेते हैं वीडियो शुरू। तो दोस्तों इसके लिए आपको फिल्टर की ज़रूरत होती है, जो कि फिल्टर आपको मिल जाते हैं ईजिली किसी भी वेबसाइट से इंटरनेट पर, ठीक है। तो मैं इसमें सबसे पहले तो इस कंट्रोल जे करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एम करता हूँ, इमेज में आना दोस्तों आपने, ठीक है। इमेज में आने के बाद यहाँ पर आपको लेवल मिल जाता है, ऑटो लेवल मिल जाता है, ऑटो कंट्रास्ट मिल जाता है, ठीक है, ऑटो कलर मिल जाते हैं। और ये कलर यहाँ पर कंट्रोल एम की शर्त अच्छी रहती है, इसे आपने थोड़ा सा लाइट देनी है, ये देखें लाइट करने देना, ओके करना है। तो फिर आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ से इसकी फेस की सिलेक्शन करनी है इजीली। तो ये पिक्चर इतनी अच्छी बनेगी आप जाकर आपने स्क्रीन में देखा था, ठीक है। मैं इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ आपके सामने बिल्कुल आसपास, आप और धीरे से कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ जल्दी से, ठीक है, और मेरी कुछ प्रैक्टिस भी है, आपने बिल्कुल आराम सुकून से करनी है, ठीक है। करने के बाद फिर हमने यहाँ पर आना है। तो दोस्तों तो यहाँ पर इसकी एक कांड रह गया। तो इसके बाद आपने ये वाला यूज करना है टूल, और इसके जो यहाँ पे और एक ताकि ये इमेज खराब ना हो। तो दोस्तों अब इसमें हम फिल्टर अप्लाई करेंगे। फिल्टर किस तरह अप्लाई करने हैं दोस्तों, दोस्तों आपने यहाँ पर आ जाना है फिल्टर में। फिल्टर में आने के बाद आपने यहाँ पर फिल्टर प्रोफेशनल तरीके से जो पहला है वो अप्लाई करना है दोस्तों, ठीक है। तो अभी अप्लाई होने के बाद ये देखिए फर्क आ रहा है इमेज में, ओके। तो दोस्तों इसके बाद हमने दूसरा फिल्टर यूज करना है। कुछ लोडिंग ले लेता है क्योंकि आपका पीसी इतना अच्छा नहीं है मेरा जो कि लोडिंग बर्दाश्त कर सके, ठीक है। इतनी अगर आपका पीसी अच्छा है तो ये जल्दी प्रो करेगा, ठीक है। तो ये मेरा इतना अच्छा पीसी नहीं, इतना लो भी नहीं है, बट यार ये लोडिंग तो ये लेता है, ये इफेक्ट ऑफ अप्लाई होते हैं, कुछ टाइम तो लगना होता है इतना अच्छा भी पीसी हो। लेकिन ये फ़र्क ये आता है क्योंकि अगर पीसी अच्छा हो तो ये अपनी जल्दी करता है प्रोसेस जो भी होता है, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी इमेज कैसी बन चुकी है, फेस हमारा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपने कंट्रोल डी करना है, इसके बाद कंट्रोल डी किया मैंने दोस्तों। दोस्तों आप इसका फेस चेक करें, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, और ये थोड़ी सी एक्टिंग दिखाई दे रही। इसे ख़त्म करने के लिए दोस्तों आपने यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर कंट्रोल आल्ट प्रेस करना है, और यहाँ पर आकर इसे एक्सटेंड सेंड कर दोस्तों। ये देखें वो नहीं रहा ना, तो अब देखें यार ये देखें कितनी स्क्रीन क्लियर हो चुकी है हमारी दोस्तों। मज़ा आया कि नहीं आया ये देखें, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ हो चुका हमारा फेस बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। इसके बाद हमने आना है बैक में, जो इसका बैकग्राउंड है हम वो एडिट करेंगे दोस्तों, इसका बैकग्राउंड। तो इसमें आपने कर देना है यहाँ पर कंट्रोल जे, करने के बाद आपने क्या करना है दोस्तों, एक बार इसकी लाइट को कर देना है आपके काम, ताकि हम जो इसके हेयर है ना वो बना पाए। यहाँ पर आना है इमेज में, तो यहाँ पर आ जाना है दोस्तों आप एडजस्टमेंट, और यहाँ पर कर, ठीक है। तो इसमें आने के बाद हमने जो इसका साइज है, इसकी लाइट है, हमने यहाँ पर करना, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या करना है दोस्तों, हमने थोड़ा सा काम हमें धीरे करना होगा, अगर धीरे नहीं करेंगे तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब फेस पर हमने रिमूव करना, ताकि हमारा जो यार वाइट एरिया ना वो भी मिल जाए, अभी काम खराब हो रहा है।
देख, अब ठीक है, अब ना वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही जो कि दिखाई देती है एक्चुअली। आप आराम से कर सकते हैं, अपने आप को जल्दी नहीं है काम करने की, जितना धीरे करेंगे उतनी इमेज अच्छी बनेगी आप, आपको ये बता दूँ मैं, इसलिए आप आस्ता ही करें बेहतर है। दोस्तों इस तरह से आज इस तरह मैंने कि आप चेक कर सकते हैं इजीली बहुत ही आसान तरीके से। अब हमारा ये फेस रहा, हमारे पास ये रहा, ये कान बस एक रहता था, अब हमारे पास क्या कुछ रहता है। आप डिटेल से चेक करना, ये नहीं कि आप डिटेल से अच्छी तरह चेक भी ना करें जो हम बात आपकी इमेज वो ख़राब हो जाए, अच्छे से चेक किया कर लिया करें। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद अब क्या करना है, हमने कंट्रोल जे, अभी मज़ा नहीं आएगा, अभी हमने अच्छे तरीके से नहीं किया, मिस्टेक किया कहीं। ठीक है दोस्तों, शायद बढ़ाना है, ये देखिए मिस्टेक की थी ना मैंने, क्योंकि मुझे पता चल गया मिस्टेक मैंने की है। इसकी होट्स पर हम कलर अप्लाई करते हैं कोई, ताकि हमारा जो लिप्स हैं वो अच्छे बनते हैं। इतना करने के बाद प्लस बुश साइज बड़ा, तो इस तरह से आपने इसकी जो लिप्स होते हैं कलर दे लेना। दोस्तों ये देखिए मुख्तलिफ आप कलर बना सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको, आपने 3 या 5 पर क्लिक करके अब वैल्यू चेक करना, ये देख दोस्तों ठीक है कितना अमेजिंग बना लिया। अगर मैं इसे कहता हूँ ये देखिए इस तरह का बन चुका। ठीक है, तो जितना आप क्लियर में जाएंगे, जितनी सर आप टाइम लगाएंगे उतनी आपकी इमेज अच्छी बनेगी। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसे कर लेना मर्ज कंट्रोल ए की मदद से, एम सॉरी ये मर्ज करने में ख़राब हो रहा है। ठीक है, बस अब ये कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं ओके। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, जो बैकग्राउंड बनाना है, बैकग्राउंड बनाने के लिए कंट्रोल जे कंट्रोल यू, बैकग्राउंड अब चेंज हो गया इसका इस तरह। ठीक है, आपने क्या करना, आपने यहाँ पर आकर ग्रीन को सिलेक्ट करना, ये अपने हिसाब से आप जो रखना चाहते हैं यहाँ पर कलर एडजस्ट करना चाहिए आपका, जो आपको अच्छा लगता है आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो तक जो ठीक लगता है मैं वही एडजस्ट करता हूँ।
इतना करने के बाद ओके करना दोस्तों आपने, और आपने इसके फेस पर आ जाना, कोई जो इसका कलर वगैरह आ चुका थोड़ा बहुत था उसे आपने इजीली रिमूव करना। ठीक है दोस्तों, इस तरह एक बार कर देंगे, अक्सर आ जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कलर। और इसके बाद क्या करना है आपने, फिर कंट्रोल यू करना है, फिर आपने आना है इसमें स्क्रीन में, इसे फिर बढ़ाना इस तरह, ओके कर देंगे दोस्तों। ये देखें कितना अमेजिंग हमारा इफेक्ट बन चुका है, ये देखें आप, ये देखें, ये देखें और ये देखें। ठीक है दोस्तों, आपको फर्क दिखा कि नहीं? अगर आपको ये वीडियो जो मैंने आज बनाई इसमें कोई भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो और भी आप इसे अच्छा बना सकते हैं फ़ोटो को, मैं और भी टाइम लगा सकता हूँ कि, लेकिन यार हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं इसमें ज़्यादा टाइम लगाऊँ तो, शायद आप फिर बोर हो जाएँ, देखना पसंद भी ना करें इतनी लंबी वीडियो। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से आपको सिखाया है कि किस तरह बना। इसमें अगर आप टाइप लिखना चाहते हैं इजीली, यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। चलो ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कुछ यहाँ पर लिखता हूँ, एडिटिंग बाय लिखा मैंने, ये देखें। ठीक है, तो इसमें अगर आप चेंजिंग कर सकते हैं, चेंजिंग कैसे करेंगे फ्रेंड्स, हम चेंजिंग कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। और फाउंड में आने के बाद यहाँ पर आपने ये सबको सिलेक्ट, आई एम सॉरी, ये कंट्रोल बैक, कंट्रोल बैक, कंट्रोल बैक, कंट्रोल बैक, यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पर सिलेक्शन की और इसे इस तरह से ट्रैक कर लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर दोस्तों ये मुख्तलिफ फाउंड आप चेक कर सकते हैं, देखें जो आपको फाउंड अच्छा लगे आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो जो यहाँ से अच्छा लगता है वो अप्लाई कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैंने ओनली इसे सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर आया और यहाँ पर लिख दिया शार्प 7.0, फिर मैंने टाइप किया। तो इसके बाद मैंने इसे ड्रैग करके नीचे लाया, इसे बड़ा कर लिया मैंने, तो इसमें दोस्तों अब क्या बताऊं मैं आपको, इसके बाद मैंने क्लिक किया यहाँ पर कलर में और वाइट में आया। स्ट्रोक में आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपने इसे स्ट्रोक देनी है, स्ट्रोक देने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर चेक करें आपको साइज़ मिलता है 3 पिक्सल में। ठीक है, और ये साइज आपने सिंपली क्या इस तरह बढ़ाना है थोड़ा सा, ठीक है, ताकि जो हमारी आपकी इमेज जब उभर कर बाहर, जो आपका टेक्स्ट है वो उभर के बाहर आए। ठीक है, कलर चेंज करें दोस्तों, ओके कलर चेंज किया मैंने, करने के बाद दोस्तों अब इसमें आते हैं। इसमें आने के बाद कलर में आने के बाद यहाँ पर हम कोई और कलर सेलेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर ये किया, इसे आप साइड पर कर लें ताकि आपको पता तो चले जो हमने कलर यूज़ कर रहे हैं वो कितना शाइनिंग दे रहा है हमारे इमेज में। इसके बाद यहाँ पर आना है हमने, तकरीबन हमारे पास यही कलर बेस्ट है। ओके, इतना करने के बाद सिंपली ओके यहाँ स्ट्रोक में आते हैं दोबारा और साइज थोड़ा सा कम करते हैं और इसमें हम शेडो भी देते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इजीली। मिसाल के तौर पर मैं इधर रखता हूँ, आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए यहाँ पर, ठीक है,
और भी फाउंड होते हैं, काफ़ी मुख्तलिफ फाउंड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी टेक्स्ट होते हैं जो अपने आप से शेयर लिख सकते हैं, कुछ भी आप अपने अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों इसके बाद हम एक और लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इन टू मिनट, तो इतना लिखने के बाद दोस्तों मैं दोबारा फिर यही ये प्रोसेस करने वाला हूँ, बिल्कुल यही। पर हमने सिंपली इसे मैंने बढ़ाया और शर्म में इतना करना साइज का बढ़ा दिया, तो ये इसका है ना, ठीक है। दोस्तों अब इसको साइज को हम थोड़ा सा बैक चेंज करते हैं, छोटा मिनी करते हैं, ठीक है, मिनी यहाँ पर इससे, ओके। अब देखिएगा ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए हमारी थंबनेल बना सकते हैं, मुझसे एडिट करती है यूट्यूबर को बताया जाता है दोस्तों। तो फाइनली ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है ना, तो यार वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त चाहता हूँ।